राजनीतिक पार्टियां काम के आधार पर वोट मांगे, जनता काम के आधार पर वोट देती है। यह बात मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के बडौनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कही। मंत्री मिश्रा ने इस दौरान 270 आवासहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए 2,70,00,000 रुपए की राशि के प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को आवासहीन नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवास देने के नाम पर कोई भी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो वह सीधी शिकायत करे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बडौनी में बस स्टैंड निर्माण के लिए 40,00,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा शिवराज सरकार दीनहीन गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी है। उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया है कि वह जनता से भाजपा का विरोध कर वोट लेना चाहती है, लेकिन काम के आधार पर वोट नहीं लेना चाहती है। इसका सीधा कारण है अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता 5 साल बाद जनता के बीच दिखते हैं। सवाल तेंदुलकर ने आपको सुनाए होंगे, भास्कर विपिन जी ने सुनाए ना? हम पहले बताते हैं कि हमने ये किया है, हम बता रहे हैं कि आगे हम ये करेंगे। हम करने के बाद आए हैं और वो हमें गालियां दे दे के वोट मांग रहे हैं। जरा विचार करना दोस्तों, अगर उनने कुछ किया होता 35 साल में या उनकी सरकार ने कुछ किया होता तो तुम अपना बताओ, हम अपना बताएं, जनता तय करेगी कि किसकी बात में भजन है उसको वोट दे देगी। दतिया से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।